शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से एक शहीद समारोह का आयोजन कुंवर रविंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उन्होंने शहीदों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत को याद भी किया। जिसकी जानकारी में रविंद्र विक्की ने बताया कि शहीदों के प्रति हम सदैव ऋणी हैं और रहेंगे। अमर शहीद ग्रुप कैप्टन जी एस सीमा जी का दूसरा श्रद्धांजलि समारोह जो है आयोजित किया गया। ग्रुप कैप्टन जी एस सीमा जी एक बहादुर पायलट थे, जिन्हें MiG-21 N-32 जहाज उड़ाने का लंबा एक्सपीरियंस था और आज से 2 साल पहले वो एयरफोर्स के एनसीसी विंग के कैडेट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और ट्रेनिंग के दौरान ही उनका प्लेन क्रैश हो गया। कैप्टन जी एस सीमा जी ने साथ बैठे कैडेट के प्राणों को बचा दिया और खुद उस हादसे का शिकार होकर अपना बलिदान दे गए। आज सारे क्षेत्र के लोगों ने उनकी शहादत को नमन किया है। वहीं शहीद परिवार के साथ साथ समूह इलाका निवासियों में एक गहरा रोष पाया गया कि जब ग्रुप कैप्टन जी एस सीमा शहीद हुए, उनके अंतिम संस्कार के मौके पर विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने यह घोषणा की थी कि इस अमर योद्धा की याद में गांव में स्टेडियम बनेगा, यादगार गेट बनेगा, गांव के सरकारी स्कूल का नाम जो है शहीद के नाम पर रखा जाएगा। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वीर योद्धा की शहादत के 2 साल बाद भी वो घोषणाओं को अमली जमा नहीं पहनाया गया, जिससे शहीद परिवारों की भावनाएँ आहत हैं। शहीद ग्रुप कैप्टन गुरप्रीत सिंह चीमा की वाइफ हाँ, जेडे 24 फरवरी में अपनी ड्यूटी अपना कर्तव्य पूरा करते हुए शहीद हो गए, तो अज उन्हों की बरसी है। सू सारे परिवार में उन्होंने शहीदी से माण है। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।